इज मनप्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मवी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एज अ स्टार्टर अ गेम ऑफ मोनोपोली विद रुपीज 70 शी हैड टू पे रुपीज 25 एज अ टैक्स एंड सेव्ड रुपीज 10 एज अ रेंट ऑफ वन ऑफ अ साइज अगेन शी वॉन रुपीज 20 बाय वे ऑफ लॉटरी एंड वाज देन फाइंड रुपीज 50 फॉर ओवर स्पीडिंग हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया कि उसके पास 70 रुपीज थे और उसके बाद उसने इतना खर्चा किया, उसको पे करने पड़े या उसको मिल गए, तो लास्ट पे उसके पास कितने रुपीज बचे ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई मनी मिल रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में, और अगर हमें पे करनी पड़ रही है तो हम वो नेगेटिव लेंगे। मान लो मेरे पास 10 रुपीज थे और मुझे 5 किसी को देने पड़ गए, तो 5 मैंने किसी को दे दिए, बाकी कितने बचे मेरे पास, 10-5 करके ही पता चलेगा कि 5 रुपीज बचे मेरे पास। सो इट मीन्स जो हम मनी पे कर रहे हैं वो हम नेगेटिव लेंगे और जो मनी हमें मिल रही है वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे रुपीज 70। सो इनिशियली शी हैड मनी इक्वल्स टू रुपीज 70, इसको अब हम प्लस में लेंगे। नेक्स्ट है शी हैड टू पे रुपीज 25 एज अ टैक्स, 25 रुपीज उसको टैक्स में देने पड़े, तो मतलब हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। शी पेड एज अ टैक्स इक्वल्स टू रुपीज माइनस 25 क्योंकि ये वो पे कर रही है। नेक्स्ट है एंड रिसीव्ड रुपीज 10 एज अ रेंट ऑफ वन ऑफ हर सेल्स, अभी 10 रुपीज उसको मिल रहे हैं। शी रिसीव्ड रेंट इक्वल्स टू प्लस रुपीज 10 क्योंकि ये उसको मिल रही है। नेक्स्ट अगेन शी वॉन रुपीज 20 बाय वे ऑफ लॉटरी, सो शी वॉन इक्वल्स टू प्लस रुपीज 20 क्योंकि ये भी 20 रुपीज उसके पॉकेट में ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है एंड देन फाइंड रुपीज 50 फॉर ओवर स्पीडिंग, सो ओवर स्पीड के कारण उसको 50 रुपीज फाइन लग गया, पेड फाइन फॉर ओवर स्पीडिंग इक्वल्स टू रुपीज माइनस 15 क्योंकि अभी ये वो पे कर रही है। तो अभी मैं लास्ट में बताना है कि उसके पास कितने बचे, तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। एट लास्ट शी हैड रुपीज 70 माइनस रुपीज 25 प्लस रुपीज 10 प्लस रुपीज 20 एंड माइनस रुपीज 50। सो प्लस वाला को हम अलग प्लस कर लेते हैं और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको हम अलग प्लस कर लेते हैं। 70 प्लस 10 80 एंड 80 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास रुपीज 100। अभी जो नेगेटिव टर्म्स हैं हम उनको प्लस कर लेते हैं, 25 प्लस 50 कितना हो गया हमारे पास 75, पर साइन किसका आएगा माइनस का, सो रुपीज 75। अभी एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस, सो कितना है हमारे पास 25, सो ये प्लस का ही आएगा, सो 25 रुपीज आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया कि अभी लास्ट पे उसके पास कितने रुपीज बचे थे 25। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज रुपीज 180 इफ वन नंबर इज 12 फाइंड अदर नंबर, अभी आपको दो नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है और उनमें से एक नंबर आपको गिवन है तो आपको दूसरा फाइंड करना है, तो लेट कर लो दूसरे नंबर को, लेट अदर नंबर इक्वल्स टू एक्स, उस दूसरे नंबर को आपने एक्स लेट कर लिया,
अभी हमें दोनों की प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस वन एटी, सो दो नंबर्स की प्रोडक्ट हमें गिवन है, उनमें से एक क्या है हमारे पास एक्स है, सो प्रोडक्ट क्या होगी एक्स मल्टीप्लाई दूसरा नंबर हमें गिवन है 12, एक्स मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू माइनस वन एटी, सो दोनों नंबर्स की हमें प्रोडक्ट कितनी गिवन है माइनस वन एटी, तो अभी हमने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स के साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे 12 है मल्टीप्लाई में, तो अगर हमने एक्स फाइंड करना है तो हमें 12 को रिमूव करना पड़ेगा, 12 को रिमूव कैसे करेंगे, ये 12 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस 180 डिवाइड बाय 12, सो एक्स इक्वल्स टू जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1 and 5, सो यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि अगर दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हुए हैं और एक साइन हमारे पास माइनस का है तो हमारे पास आंसर क्या आता है माइनस का आता है, सो एक्स हमारे पास कितना आ गया माइनस 15 मीन्स सो अदर नंबर इज माइनस 15 आंसर। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूव्स 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड देन मूव्स 14 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ अलोंग द सेम रोड इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स साउथ बाय व्हिच इंटीजर will you represent the final position from A? तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि कार है वो हमारे पास जाती है नॉर्थ साइड फ्रॉम साउथ कितने किलोमीटर 17 किलोमीटर और फिर वो वापस आती है 14 किलोमीटर, अगर उन्होंने ये बोला है कि अगर जब वो नॉर्थ साइड पे जाती है तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर से दिखाते हैं, तो जब वो साउथ की साइड आएगी तो हम उसको कौन सी चीजों से दिखाएंगे, एक तो आपको ये बताना है और दूसरा आपको ये बताना है कि फाइनल पोजीशन मतलब ये सी पॉइंट सी पे पहुंचेगी अभी वो, इसकी ए से जो डिस्टेंस है वो कितना है एक आपको ये बताना है, तो अगर कार नॉर्थ साइड मूव कर रही है तो हम उसको दिखा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो जब वो बैक आएगी वापिस आएगी तो हम कौन सा इंटीजर यूज करेंगे नेगेटिव इंटीजर यूज करेंगे, सो डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए इक्वल्स टू प्लस 17 किलोमीटर, तो हम उसको प्लस का 17 लेके चलेंगे और जब वो वापस आ रही है तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इक्वल्स टू माइनस 14 किलोमीटर, तो हम उसको क्या दिखाएंगे नेगेटिव दिखाएंगे, तो ये हमें सारा ए से लेके बी तक हमें गिवन है 17 किलोमीटर और यहाँ पे बी से लेके सी तक हमें गिवन है 14 किलोमीटर, तो अब हमें ये ए सी फाइंड करनी है, तो हमारे पास ए सी कितनी आ जाएगी इस सारी में से ये बी सी हम माइनस कर देंगे, सो 17 माइनस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस हम नेगेटिव नहीं लेंगे, आप ये ना कहना कि हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया था, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सो 17 माइनस 14 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा, वो हम साइड कहते हैं कि हम अगर नॉर्थ साइड जा रहे हैं तो अगर वो पॉजिटिव है तो वापस आएंगे तो हम क्या दिखाएंगे कि वो नेगेटिव दिखा रहा है, तो पर डिस्टेंस हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, तो हमारे पास एसी कितना आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए इक्वल्स टू 17 किलोमीटर माइनस 14 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यस लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिना क्लेम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकंड एंड देन क्लेम्स डाउन 2 स्टेयर्स द नेक्स्ट सेकंड then how many seconds will she take to climb 60 stairs? So इसमें हमारे पास क्या बताया गया है कि रीना 5 stairs एक सेकंड में वो चल के जाती है और फिर नेक्स्ट सेकंड में 2 stairs
नीचे जाती है, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर 5 स्टेयर्स ऊपर जाती है और नेक्स्ट सेकंड में फिर 2 स्टेयर्स नीचे आ जाती है, तो उसको कितना टाइम लगेगा अगर उसने 60 स्टेयर्स पे जाना है। सो वन सेकंड में वो कितनी स्टेयर्स पे जाती है, 5 स्टेयर्स पे। सो ये हो गया उसका 1 सेकंड पूरा हो गया। और दूसरे वाले सेकंड में वो क्या करती है, 2 स्टेयर्स नीचे आ जाती है, मतलब वो कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे थर्ड स्टेयर पे पहुंच गई। ये उसका हो गया दूसरा सेकंड, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या करेगी, नेक्स्ट सेकंड में फिर 5 स्टेयर्स ऊपर जाना है, मतलब वो अभी कहाँ पे पहुंच जाएगी, 8th स्टेयर पे। सो ये हो गया उसका थर्ड सेकंड। फोर्थ सेकंड में क्या करेगी, फिर 2 स्टेयर्स नीचे आएगी, मतलब वो कहाँ पे पहुंच जाएगी हमारे पास, 6th स्टेयर पे। सो ये हो गया उसका फोर्थ सेकंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड में वो कितना रास्ता कवर करती है, 3 स्टेयर्स का, और 4 सेकंड में वो 6 स्टेयर्स का कवर करती है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 स्टेयर्स जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, यहाँ पे 2 सेकंड लगा। सो शी टेक्स टाइम टू क्लाइम अप 3 स्टेयर्स इक्वल्स टू 2 सेकंड। सो 2 सेकंड का टाइम उसको लगा, तो हम यहाँ से 1 का फाइंड कर लेंगे, 1 स्टेयर का कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/3, और हमने किसका फाइंड करना है, 60 का। सो 60 स्टेयर का कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/3, 60 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो कितना आ गया ये, 3 × 2 = 6 = 20, सो 2 × 2 = हमारे पास कितना आ गया, 40। सो उसको 40 सेकंड का टाइम लगेगा उसको 60 स्टेयर्स को कवर करने के लिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट ई एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आपको ये कंप्लीट करनी है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मम्मी।